सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंडम एक्सोर। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीवर्स का एपिसोड 15 के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ आज की वीडियो को लाइक करें 1000 लाइक्स का। देखते हैं आप लोग कितने जल्दी कंप्लीट करते हो। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट ये दे देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ब्रुकलिन के फैंस आप लोग रेडी हो जाओ। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस इस एपिसोड की स्टार्ट होती है ब्रुकलिन से। ब्रुकलिन जो रहता है जाता है बोरिस के पास। जी हाँ गाइस, बोरिस के पास। और गाइस वो बोरिस के पास जाता है और कहता है बोरिस तुम मुझे अपने टीम में ज्वाइन कर लो। गाइस आप तो सोच रहे हैं बोरिस से उसने कहा कि तुम मुझे अपनी टीम में वापस ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले बोरिस पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला यहाँ तक का रास्ता। तो हमें ब्रुकलिन बताता है मुझे नहीं पता था तुम कहाँ पे हो, लेकिन जैसे कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग जहाँ पे मिले थे, या फिर कह सकते हो कि ब्रुकलिन को जब आपको याद होगा कि अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको याद होगा जब ब्लैक ट्रॉन्सर वर्सेस ब्रुकलिन का मैच होता था तो ब्रुकलिन वहाँ पे हार गया था। ब्रुकलिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी बट एट द एंड यार ब्लैक ट्रॉन्सर ही विनर हुआ। तो हम लोग को लास्ट में देखने को मिला कि जियोस का जो बिटबीस्ट था वो चले जाता है ब्लैक ट्रॉन्सर के पास। तो उसके बाद ब्रुकलिन कहता है कि जब मैं ये मैच हारा था उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और जब मैंने लास्ट टाइम टाइसन से लड़ा था तब मुझे पता चला था बेब्लेड स्पिरिट। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो बात पे मैं अभी तक लड़ा हूँ, या फिर कह सकता हूँ कि जो बेब्लेड स्पिरिट मुझे टाइसन ने बताई थी वो सब नकली थी और ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आया हूँ जिससे मैं अपना ज्यूस को वापस लूँ और मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होने आया हूँ। जी हाँ गाइस, ब्रुकलिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। और वहाँ पे बोरिस कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे साथ ज्वाइन होने आ जाते हो, पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, या फिर कह सकते हो कि पिछली बार तुम हार गए थे, तो मैं एक ऐसे बंदे को क्यों रखूँ जो इतना वीक है और जो मेरे टीम को पूरी मतलब कह सकते हो टीम में इतने वीक मेंबर को रखने का क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे। तो वो बेसिकली वहाँ पे ब्रुकलिन कहता है जब मैं तुम्हारे साथ था तब मेरे पास पावर थी, सब थी, सब चीज़ मेरे पास था, लोग मेरे रिस्पेक्ट करते थे, लोग मुझसे डरते थे, कह सकते हो कि मेरा नाम चल रहा था पूरे शहर में। लेकिन जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ और जब से मैं उस टाइसन की बात माना हूँ तब से सब कुछ मेरे लिए बेकार हो गया, और अब तो कोई मुझे पूछता तक नहीं है, सब लोग तो बस टाइसन काय इन सब का चैंट्स करते हैं, मेरा तो कोई नाम भी नहीं लेता कि मैं भी एक अच्छा बेब्लेडर हूँ। तो यहाँ पे बोरिस कहता है जो भी हो लेकिन मैं तुम्हें अपने टीम में नहीं ले सकता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेब्लेडर है और मेरे को किसी वीक बेब्लेडर की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस वहाँ पे डोजी कहता है नहीं, हम लोग ब्रुकलिन को अपने टीम में शामिल करेंगे। तो वहाँ पे बेसिकली कहता है बोरिस से जितने ज़्यादा मेंबर होंगे हमारे टीम में उतना ज़्यादा हम लोग को ही फ़ायदा होगा, भले ही ब्रुकलिन अगर अभी वीक है लेकिन अगर हम लोग उसको उस तरह की ट्रेनिंग दे दे तो ये स्ट्रांग भी बन सकता है। तो यहाँ पे बोरिस खुश हो जाता है। और कुछ तो बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी इस लाइन में जो मैंने बोला कि कैसी ट्रेनिंग क्या है आगे हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे बोरिस से कहता है, तो बोरिस को तो विश्वास नहीं होता बेसिकली ब्रुकलिन को, तो ब्रुकलिन से वो कह देता है बोरिस कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो समझ सकते हो तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी अभी यहाँ पे नहीं है और तुम्हें हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रुकलिन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम लोग टाइसन और जितने भी हुए हैं सबको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ पे पहले ब्रुकलिन पूछता है कि मेरा ज्यूस क्या है, क्या तुम मुझे उससे मिल पा सकते हो। वहाँ पे बोरिस कहता है हाँ तुम्हारा ज्यूस तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अब तुम हमारे टीम में आ चुके हो, लेकिन अभी मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हें ज्यूस तुम्हारा तभी मिलेगा जब तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि तुम हमारा साथ दोगे। तो बेसिकली वो कहता है बोरिस कि तुम जाओ 16th ब्लेडर के पास और तुम उससे एक फाइट लड़ो, तब तुम्हें शायद अपना बिटबीस्ट वापस मिल जाए, क्योंकि तुम्हें लास्ट टाइम अपना बिटबीस्ट तुम्हारा ब्लैक ड्रॉन्जर ने लिया था, तो तुम ब्लैक ड्रॉन्जर से जाकर उसकी फाइट करो और तुम्हारा बिटबीस्ट वो तुम्हें दे देगा। तो बेसिकली ऐसा वो कर देता है। तो वो चले जाता है 16th ब्लेडर के पास, और 16th ब्लेडर को जब ये सब पता चलता है कि अब ब्रुकलिन उनके टीम में है तो बेसिकली वो बिटबीस्ट को अपने जो रहता है उसको निकाल के बेसिकली ब्रुकलिन के ब्लेड में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ से कह सकते हो कि ब्रुकलिन को उसका बिटबीस्ट मिल जाता है। फिर ब्रुकलिन कहता है चलो अब हम लोग को चलना है टाइसन के घर और वहाँ पे अटैक करना है। सो गाइस अब होता है सीन शिफ्ट। सो गाइस काय वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, तो काय वहाँ पे आता है और कहता है कि टाइसन तुम लोग का करंट लेवल पे तुम लोग कभी भी रागो और 16th ब्लेडर को नहीं हरा सकते। तो वो लोग टाइसन कहते हैं कि हम लोग हरा सकते हैं उसको। तो वहाँ पे काय कहता है तुम लोग का करंट लेवल बहुत ही ज़्यादा वीक है, और तुम लोग जानते हो जब तुम लोग लास्ट टाइम जब मैं रागो से फाइट करा था और तुम लोग मेरे बीच में आ गए तो मुझे कितना बुरा लगा था। तो वहाँ पे काय समझाता है कि मैं वहाँ से इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं तुम लोग का साथ नहीं देना चाहता था। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे तो आप लोग समझ गए होंगे। तो रागो और काय का जब पिछली बार बैटल हुआ था तो वहाँ पे जैसे कि मैं आप लोग
जानते हो कि टायसन और सबने इंटरफेयर कर दिया था, तो बेसिकली काय गुस्से में चले आता है। तो काय बताता है सबको, मैं वहाँ से गुस्से में इसलिए नहीं गया था कि तुम लोगों ने बीच में इंटरफेयर करा था, मैं वहाँ से इसलिए गुस्से में गया था क्योंकि मैं वहाँ पर रागों की पावर चेक कर रहा था और तुम लोगों ने उसमें दिक्कत लाई थी, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। तो वहाँ पर काय बताता है कि देखो, जब मैंने पिछली बार रागों से फाइट करी थी तो उसका पावर लेवल मैंने चेक करा था और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और वहाँ पे बेसिकली जिंका बताता है कि हाँ, पिछली बार जब मैंने कह सकते हो कि सबकी ताकत लेके रागों को हराया था तब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था ही, बट इस बार जब उसने रिटर्न कराया तब पता नहीं उसकी पावर कैसे डबल हो गई है। तो ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा उसको अजीब लगता है। तो वहाँ पे काय बताता है, तुम्हें पता है पिछले बैटल मेरे ड्रॉन्सर का क्या हाल हुआ? सब लोग पूछते हैं क्या क्या तुम्हारे ड्रॉन्सर हो। बेसिकली काय बताता है कि जब मैंने रागों से फाइट लड़ी थी तो उन लोग का प्लान ही यही था कि मेरे ड्रॉन्सर की पावर उसने बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली थी। जी हाँ गाइस, ड्रॉन्सर की पावर उसने आधी एब्जॉर्ब कर ली थी। और ये बात बताने के लिए ही काय वहाँ पे आता है बेसिकली कि उसकी जो पावर रहती है ड्रॉन्सर की, आधी उसने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो इसलिए बताता है कि रागो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लेडर है और उससे लड़ने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और जैसे कि तुम लोग जानते हो, ब्लैक ड्रॉन्सर तो एक पावरफुल बेब्लेडर है ही, बट अब रागो भी आ गया है तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। एंड गाइस, तभी वहाँ पे रयुगा की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, रयुगा वापस आता है और रयुगा बस एक ही बात कहता है कि मैं यहाँ पे वापस आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोग बताओ कि रागो कहाँ पे है, और अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे रागो कहाँ पे है तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। तो वहाँ पे जिंका गुस्से में कहता है कि रयुगा, अब तुम्हारा ये सब ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों ने कहा ना हम लोग को नहीं पता रागो कहाँ है और 16th ब्लेडर कहाँ है, और अगर तुम्हें इतना ही है तो आओ हम लोग के साथ साथ दो, अगर तुम हम लोग का साथ दोगे तो हम लोग मिलकर हराएंगे रागो और ब्लैक ट्रांसर को। तो वहाँ पे रयुगा कहता है, तुम फिर से वही मुझसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मैंने बस इतना पूछा कि रागो कहाँ पे है, और अगर तुम नहीं जानते रागो कहाँ पे है तो मैं तुम सबको ख़त्म करने वाला हूँ। तो वो बेसिकली अपने एल रागो को निकालता है। तब तक काय वहाँ पे बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे अपने आप को, तुम्हारा काम ख़त्म कर दूंगा अगर तुम ज़्यादा बोलोगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है और तुम बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यहाँ पर रयुगा कहता है, क्या क्या तुम पागल इंसान हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मैंने किसको किसको हराया है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर काय कहता है, अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो आओ एक बी बैटल हो जाए। तो वहाँ पर रयुगा बोलता है कि मैं बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मैं एक ड्रैगन एम्परर हूँ और मैं तुम सबको चाहूँ तो अभी ख़त्म कर सकता हूँ एक एक करके। तो वहाँ पे काय कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बन रहे हो अब आओ मुझसे बे बैटल करो, अगर तुम अपने आप को ड्रैगन एम्परर ही समझते हो तो आओ अपनी ताकत दिखाओ, और जब मैं तुम्हें हराऊंगा उसके बाद मैं तुमसे टायसन से लड़ूंगा, और टायसन तुम रेडी रहना क्योंकि रयुगा की मैं वो हालत करने वाला हूँ जो ये कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बेसिकली रयुगा कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, मेरे को अपना काम पूरा करने दो, फिर बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। तो बेसिकली जो काय रहता है वो अपने ड्रॉन्सर को लॉन्च कर देता है और रयुगा के सामने ड्रॉन्सर आ जाता है। तो बेसिकली रयुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं तुमसे बैटल करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा वापस लौटना है तो तुम अच्छे से बैटल करना, नहीं तो तुम्हारा ड्रॉन्सर टूटेगा ही, साथ साथ तुम भी नहीं बचने वाले। तो बेसिकली कह सकते हो दोनों ही ब्लेडर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है। सो गाइस, यहाँ से स्टोरी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे गाइस हम लोग को देखने को मिलता है कि इन दोनों का ब्लेड लॉन्च होता है, एंड गाइस दोनों लोग डिस्क में लैंड करते हैं इन दोनों का ब्लेड, और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग दोनों को अटैक मिलता है और दोनों लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं। तब तक गाइस वहाँ पे एक तीसरे ब्लेड की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट गाइस, वो और कोई नहीं रहता, वो रहता है ब्रुकलिन का ज्यूस। एंड गाइस ब्रुकलिन की वहाँ फाइनली एंट्री हो जाती है। तो वहाँ पे रयुगा कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और वहाँ पे बेसिकली जो काय रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ब्रुकलिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रुकलिन तो हमारे साथ था। और टायसन भी पूछता है, ब्रुकलिन तुम तो गायब थे, इसका मतलब क्या तुमने सच में ये मत कहना कि तुम बोरिस को ज्वाइन कर लियो। तो यहाँ पे ब्रुकलिन हंसने लगता है, तुम टायसन तुम क्या समझते थे अपने आप को, तुम जानते भी हो जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैं कितना ज़्यादा वीक था, मेरी ताकत बस एक बोरिस में थी, बोरिस ने मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया, और अगर बोरिस नहीं होता तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता, बस तुम्हारे वजह से मैं इतना वीक था, मेरी पावर इतनी कम थी, तुम बस टायसन तुम्हारे वजह से आज मैं ऐसा बना हूं। और अब तुम जान भी नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, और स्पेशली टायसन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड, क्योंकि तुमने ही मुझे इस तरह का बनाया, तुमने पता नहीं बेब्लेड स्प्रिट क्या होती है, तुमने मुझे ऐसा बता के तुमने मुझे कह सकते हो कि मेरा माइंड वॉश करा, फिर कह सकते हो ब्रेन वॉश करा। और बेसिकली ब्रुकलिन इस तरह से इल्ज़ाम लगाता है टायसन के ऊपर। तो टायसन उसका रिप्लाई में बोलता है, ब्रुकलिन तुम गलत हो, जिस इंसान का तुम साथ दे रहे हो वो एक इंसान नहीं, वो एक कायर हो, और वो तुमको ब्लैकमेल कर रहा है और कह सकते हो कि तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें धमका रहा है,
तुम उसकी बात में मत आओ। तो ब्रुकलिन हंसने लगता है, क्या धमका आ रहा है, डरा रहा है, तुम क्या बोल रहे हो टाइसन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इसलिए बोरिस का साथ दे रहा हूँ क्योंकि बोरिस के साथ रह के मैं वो सब चीज़ कर सकता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ रह के कभी भी नहीं कर पाया। बोरिस के साथ रह के मेरे पास पावर है, ताकत है, सब है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तो यहाँ पर टाइसन बोलने वाला रहता है, तब तक बोरिस आता कहता है, अब ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ब्रुकलिन अब हमारे साथ है। तो यहाँ पे ब्रुकलिन कहता है, अब तुम सबका टाइम ख़त्म, ये लो जाओ ज्यूस, तुम हमला करो। एंड गाइज उस समय गाइज ये बहुत ही बड़ा चीज़ मैं आपको बताने जा, बोरिस, ब्रुकलिन, रागो और काय को छोड़कर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब गायब हो जाते हैं। जी हाँ गाइज, सब गायब हो जाते हैं। और बोरिस को खुद नहीं पता था कि ये ब्रुकलिन की कौन सी पावर है, मतलब सब लोग गायब हो जाते हैं या फिर दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, अभी तक ये नहीं पता। बोरिस तो सबसे ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि बोरिस को खुद नहीं पता रहता ये ब्रुकलिन ने क्या कर दिया और सारे लोग गायब हो गए। और गाइज ब्रुकलिन, काय, रागो और बोरिस को छोड़कर सब लोग गायब हो गए। तो यार सब कहाँ गए, और स्पेशली रयू का कहाँ गया यार, मतलब भाई ये क्या हो रहा है, और सारे ब्लेडर कहाँ गए यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो यार कमेंट भी कर दिया करो आप लोग। एंड गाइस ये भी बताओ कि यार कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में, वो मैंने बोल भी दिया, लेकिन यार सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई है इस समय, तो यार वीडियो को लाइक करना। एंड गाइस एट लास्ट ये बोलना चाहता हूँ कि रयू का कहाँ गया सोचो, और सारे लोग गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, काय का छोड़कर वहाँ पे जितने भी लोग नीचे थे टाइसन के साथ सब गायब हो गए हैं, सब लोग कहाँ गए, इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यार स्टे ट्यून टू आवर चैनल फैंडम एक्सोन। एंड गाइस ऐसे ही शेयर करते रहो यार, शेयर भी कर दिया करो कभी वीडियो, ऐसा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।